विभाग की लापरवाही के कारण एक लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया है। यहां विद्युत सुधार कार्य से पहले कर्मचारियों के द्वारा बकायदा विभाग से परमिट ली गई थी, इसके बाद भी विद्युत सप्लाई चालू कर दी गई, जिसके चलते सुधार कार्य कर रहा एक लाइनमैन करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल यह घटना दो दिन पूर्व पश्चिम संभाग के अंतर्गत चुराहटा विद्युत वितरण केंद्र के बेला बैजनाथ की है। बताया गया कि यहां बिजली सुधारने के लिए प्वाइंट दिया गया था। काम करने से पहले कर्मचारियों के द्वारा बकायदा विभाग से लाइन बंद करने की परमिट ली गई थी, बावजूद इसके विभाग के द्वारा लाइन को चालू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि काम करते समय सहायक लाइनमैन राम कुंडल नामदेव को जैसे ही विभाग से हरी झंडी मिली वह खंभे पर चढ़ गया, तभी 11 केवी की लाइन चालू होने की वजह से करंट में झुलस गया है। इधर नीचे खड़ा सहायक लाइनमैन कामता प्रसाद दाहिया कुछ समझ पाता तब तक करंट से घायल रामकुंडल नामदेव खंभे से नीचे गिर पड़ा। इस पूरी घटना को लेकर अब यूनियन के द्वारा प्रबंधन से मांग की गई है कि उक्त दुर्घटना की गहन एवं बिंदुवार उच्च अधिकारियों की देखरेख में जांच कराई जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ दंडनीय एवं कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही बतौर कंपनसेशन 20 लाख की आर्थिक सहायता और एक आश्रित को विभाग में नौकरी की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? रामकुंडल नामदेव। फिर से बोलिए। रामकुंडल नामदेव। रामकुंडल नामदेव, ये बताइए कैसे आप यहाँ पे आ गए, क्या क्या घटना हुई, क्या हादसा हुआ है? लाइन गड़बड़ रही। कहाँ पे चढ़े थे आप? बेला बैजनाथ में लाइन डबल सी बना रहे थे। कितने बजे घटना है? 4:30-5 की। तो 11 के बी में चढ़े थे बेला बैजनाथ में, फिर क्या हुआ? लाइनमैन हमारे साथ रहा, परमिट लिए। लाइनमैन का नाम क्या है जो परमिट लिया था? काम तो प्रसाद दाहिया, वो परमिट लिया हुआ था। लाइन में रामकुंडा जी थोड़ा तेज से बोलिए। आप परमिट लिए, दो लाइन गए थे बगल से है ना, बेला बैजनाथ में। परमिट लेने के बाद कामता दाहिया परमिट लिया था जी। हाँ, तो उसके मान लग 11 के बी में चढ़े थे आप है ना जी। हाँ, तो करंट की चपेट में कैसे आए, मतलब लाइन चालू थी? लाइन परमिट ली है रहे, बंद रही लाइन। तो फिर आप करंट की चपेट में जब चढ़े तो करंट वाइज पता नहीं कहाँ से करंट आवा। तो मतलब लाइन चालू थी, परमिट के बाद बंद नहीं थी? हाँ, तबे ना करंट वाइज, तबे ना करंट वाइज। तो क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही इसमें? लापरवाही विभाग की लापरवाही, बिजली विभाग की। किसकी, कौन से डीसी में काम करते हैं आप? चुराहटा। और आपके जेई कौन है? श्याम नंदन मिश्रा जी। इसके लिए आप मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं? मीडिया के माध्यम से क्या चाहिए, क्या आपके साथ न्याय हो? न्याय हो, मैं पीएल नामदेव मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। जी बताइए, आज बैजनाथ में कोई लापरवाही हो गई कंपनी की, ये लापरवाही आप बताएं। ठीक, ये श्री राम कुंडल नामदेव सहायक लाइनमैन और श्री कामता प्रसाद दाहिया, ये दोनों लाइनमैन है, एक सहायक लाइनमैन एक लाइनमैन है, ये दोनों बेला बैजनाथ फीडर में काम करने गए थे और इन्होंने परमिट लिया बकायदे, और कामता प्रसाद के नाम से जारी हुई ऐसा घायल व्यक्ति का कहना है। और परमिट जब जारी होती है तो वो लिमिट होती, किस समय तक जारी होती है, कौन जारी कर रहा, और जब परमिट जारी होती है उस समय लाइन बिल्कुल बंद होनी चाहिए टोटल। और विभाग को चाहिए कि इसमें गाइडलाइन दे कि परमिट जब तक जारी है कोई भी लाइन को डिस्टर्ब ना करे। दूसरी बात, कंफर्म करना चाहिए जो लाइन में चढ़ा है कि आपकी लाइन बनी कि नहीं बनी। आप ये बताइए, हाँ, कि आपके जो साथी रामकुंडल नाम, हाँ, तो लाइन चालू होने वजह से परमिट चालू थी,
वो तो लाइन चालू थी ना, सत्य है सिद्ध है, तभी तो हाँ भाई तभी तो करंट मारा, नहीं तो लाइन नहीं चालू होगी तो कैसे करंट मारे। हाँ बिल्कुल, तभी तो करंट मारा। वो उनका कहना है कि जैसे मैंने स्पर्श किया मार दिया करंट। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ऐसी घटनाओं को रोका जाए, विभाग को चाहिए कि बारीकी से जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, और हाँ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, भविष्य के लिए गाइडलाइन जारी होनी चाहिए कि जब तक परमिट जारी रहेगी कोई भी उससे छेड़खानी नहीं करेगा। लगातार आपके कर्मचारी करंट का शिकार हो और इसी लापरवाही से, तो अगला कदम क्या होगा आपका सख्ती के साथ? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये स्वयं ये कर्मचारी जो है इसके साथ चौथी घटना है, तीन बार और घटनाएं हो चुके हैं। आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों होती हैं? और इसके लिए बार बार हमारी यूनियन द्वारा भी कंपनी को इंगित किया जा रहा है, स्मरण दिलाया जा रहा है। आपने ये जो प्रश्न किया इसमें एक बात हमने MD के पास उठाया था, तो यहाँ से जो रिपोर्ट जाती है कार्यपालन अभियंता और अधीक्षण अभियंता की, उसमें इन लोगों ने कर्मचारियों को ही लापरवाह सिद्ध कर देते हैं लास्ट में। और ये जो है ये सोची समझी साजिश के तहत होता है, कर्मचारी की लापरवाही नहीं होती है उसमें। साजिश में कार्यपालन शामिल है, मैं ये नहीं कहता कि वो शामिल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है जिसका परिणाम इस तरीके का हो रहा कि कर्मचारी घायल हो रहे हैं, उनका जीवन बर्बाद हो रहा, उनका परिवार बर्बाद हो रहा। और ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए और क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और उनके एक आश्रित को नौकरी देनी चाहिए।